गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां मंत्री मिश्रा जिला पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम वृंदावन धाम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंत्री मिश्रा ने आयोजन में 101 कन्याओं को 51,000 की राशि के चेक भेंट किए। इस दौरान मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ सरकार सिर्फ घोषणावीर थी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान में कार्य कर रही है। आज हम 51 लाख रुपया 51,51,000 रुपया 101 कन्याओं को 51,000 रुपए देके दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर उसके बाद के निर्णयों में देखें तो नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, इन सब में 33% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किसी ने नहीं। शिक्षा में 50% का, पुलिस में आरक्षण। आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ। लगातार एक के बाद एक महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में, बहनों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने जो निर्णय लिए वो धरातल पर उतरे, क्रियान्वित हुए, चाहे दिल्ली सरकार के हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार के। छोटा सा दृष्टिपात करो आप, कमलनाथ जी की सरकार आई, बोले 51,000 हम देंगे, मध्य प्रदेश में एक कन्या को 51,000 नहीं दे पाए।